अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने चेक करने बताना है कि आप किस तरह से अपने स्कूल का सेंटर देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 9 और मैट्रिक के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं 8 मई से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि उनका सेंटर कहाँ है और किस तरह से आप इसे देख सकते हो। तो बोर्ड एग्जामिनेशन ने क्या किया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है कि आप अपना जो सेंटर है अब वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अपने बोर्ड का सेंटर चेक कर सकते हो। तो बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और गूगल को ओपन कर लेना है, ताकि आप क्या कर सको, आप उसे देख सको। ठीक है, कहीं भी किसी भी आप कंप्यूटर में देखना चाहते हो कंप्यूटर में देख सकते हो, या फिर आपको मोबाइल में देखना है तो आप मोबाइल में देख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले जाना है BSEK। ठीक है, BSEK का मतलब क्या होता है, आपके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। ठीक है, इसे बस लिखोगे तो आपके पास सबसे जो पहली वेबसाइट आएगी ये वाली, देख लो यहाँ पे http://www.beseke.edu.pk। चाहें तो आप इसको एड्रेस बार में भी लिख सकते थे, ऐसे लिखते हो तो ऐसे गूगल में सर्च करके भी लिख सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी कराची बोर्ड की। ठीक है, सेकेंडरी बोर्ड का आपके पास यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आती है वही आपकी क्या होती है, बिल्कुल करेक्ट होती है, और वही इन्फॉर्मेशन ही बिल्कुल आपके पास सही होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चेक करने से पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को क्लिक कर लेना, क्योंकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बोर्ड से रिलेटेड और तमाम लेक्चर्स आपको फौरन और वक्त पर मिल सके। ठीक है, तो आप इसे लाइक कर देना, और साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको टारगेट पेपर्स देखने क्लास 9 मैट्रिक के, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर ही एड्रेस बार के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सेंटर चेक वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, रिजल्ट 2022 के बराबर है सेंटर चेक। जैसे ही आप सेंटर चेक में क्लिक करोगे तो आपके पास थोड़ा सा वक्त लेगा ये, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इनरोल हो रहे होंगे, अभी बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हो, ट्रैफिक ज़्यादा होगा इसके अंदर, तो इस वजह कर क्या होगा, इसको ओपन होने में टाइम लगेगा। लिखा हुआ बोर्ड, तो आपके पास ये वेबसाइट खुल चुकी है। ठीक है, स्टूडेंट सेल्फ एग्जामिनेशन सेंट्रल चेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आपकी जो डेट शीट, जो आपकी मार्कशीट हो, सॉरी मार्कशीट कह रहा हूँ मैं, आपकी जो टाइम टेबल होगा, इसमें जो आपके पास रोल नंबर लिखा हुआ होता है ना, आपके स्कूल की तरफ से आपको टाइम टेबल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, उसे लेना होगा। ठीक है, उसके ऊपर ना आपके पास रोल नंबर का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, योर नंबर, रोल नंबर, आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर को मैंशन करना होगा। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से कोई रोल नंबर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2367 5, अपने हिसाब से लिख दिया, अगर ये रोल नंबर होगा तो इसके बारे में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा, तो देखो इसमें एग्जामिनेशन का आ गया, क्या लिखा हुआ है, दी मेट्रोपॉलिटन एकेडमी सेक्टर 18 ब्लॉक 15 गुलशन जौहर ईस्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ये सेंटर पड़ा है, और ये पता चल जाएगा ये किसका पड़ा है। ठीक है, तो इतना आसान तरीका है आपको अपना सेंटर चेक करने के लिए। ठीक है, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से आके, और वैसे तो स्कूल वाले भी आपको बता देंगे, लेकिन बस एक कन्फर्मेशन करने के लिए, अगर आपके स्कूल वाले नहीं बताते तो आप इस तरह से भी अपने रोल नंबर को एंटर करने के बाद आप अपना क्या देख सकते हो, आप अपना देख सकते हो अपना सेंटर। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका था, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके इसकी वीडियो बनाकर आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं और पूछ रहे थे कि सर सेंटर कहाँ पर है, हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारे स्कूल वाले हमें नहीं बता रहे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, अपने ईद का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।